कभी कभी तो मन में आता है सस्ता है और लेटेस्ट भी है तो ले लेता हूँ, बट कभी कभी सोचता हूँ गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा। अब रिफर्बिश्ड भी तो नया ही होता है राइट? नहीं, रिफर्बिश्ड वो लैपटॉप है जो कि तुम्हारा एंड कस्टमर तुम्हारी कंपनी को रिटर्न कर चुका है एंड अब कंपनी उसी रिटर्न लैपटॉप को दोबारा से बेच रही है। तो अब क्वेश्चन आता है कस्टमर ने रिटर्न किया क्यों? तो रीजन काफी हो सकते हैं, इधर रिटर्न पॉलिसी की वजह से और सर्विस सेंटर से लैपटॉप ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने बदले में एक नया ही लैपटॉप दे दिया। बट फिर कंपनी ने उस लैपटॉप का क्या किया? सिंपल, उन्होंने क्या किया, कुछ को तो एक्सचेंज कर लिया उसी खराब लैपटॉप से, बाकी कुछ को वो मार्केट में बेचने भी लग गए ठीक करके। दैट इज वाई रिसेंटली लॉन्च लैपटॉप तुम कभी भी एज अ रिफर्बिश्ड लैपटॉप नहीं देखोगे, यूजुअली ये पुराने लैपटॉप के साथ ही होता है। अगर तुम अभी भी मेरे साथ हो तो बताओ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर पैसे बचाना है तो जरूर लो, अगर इको फ्रेंडली होना है तो जरूर लो, अगर 6 महीने की वारंटी है तो जरूर लो, एंड सबसे जरूरी चीज, अगर एक्सटेंसिव टेस्टिंग के बाद वाला लैपटॉप चाहिए तो भी जरूर लो। बस ध्यान रखना कि वारंटी ठीक ठाक हो, लेते ही स्क्रैचेस चेक करो एंड मूवी देखो ताकि बैटरी का पता चल सके, फिर मन करे तो गेम और हैवी सॉफ्टवेयर भी चला के देख लेना ताकि सीपीयू रैम सबकी परफॉर्मेंस बढ़िया लगे, और यहाँ तक आ गए हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।